बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिकमत पे मबनी ये नुस्खे देसी। मैं हूँ हाफिज़ कफायत। तो आज का नुस्खा जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ ये भी ख़ारिश का नुस्खा है, लेकिन ऐसा नुस्खा है कि ख़ारिश का इंशाल्लाह जड़ से ख़ात्मा कर देगा, किसी और मेडिसिन की और इलाज की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये दो तीन दिन इस्तेमाल करके देखें, ख़ारिश का इंशाल्लाह मुकम्मल ख़ात्मा। तो नीम के पत्ते तलाश कर लें। नीम का दरख्त अक्सर घरों में भी होता है और देहातों में आम ये मिल जाता है। नीम के पत्ते ले लें। इसी तरीके से दूसरी चीज़ वो है कलवंजी। कलवंजी और नीम के पत्ते थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके आप डालडा घी, जो खानों में हम इस्तेमाल करते हैं, डालडा घी लेके दो तीन चम्मच, उसमें ये दोनों चीज़ें नीम के पत्ते थोड़े से और कलवंजी एक चम्मच डाल के हल्की आंच पे उसको गर्म करें। ये ख़ारिश का नुस्खा आप खुद घर पे तैयार करके खिदमत के लिए भी किसी को दे सकते हैं, ख़ारिश वाले को, अगर बच्चों को, बड़ों को, घर में किसी को भी एलर्जी या ख़ारिश का मसला हो तो ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। तो नीम के पत्ते और कलवंजी डालडा घी में डाल के गर्म करके उसको फिर उतार के ये कपड़े के साथ भून लें ताकि वो कचरा वगैरह पत्ते निकल जाए। ये तेल आपका ख़ारिश के लिए ये नुस्खा तैयार है। उसको ठंडा करके किसी शीशी और बोतल में महफूज कर लें। तो ये ख़ारिश का तेल रात को सोने से पहले आप पूरे बदन पे अगर ख़ारिश हो या जिस हिस्से पे भी ख़ारिश हो वहाँ लगा लें। रात को सुबह उठ के नहा लें, चंद दिन ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ ख़ारिश एलर्जी से जान छूट जाएगी। मुकम्मल तौर पे बदन एलर्जी और ख़ारिश से साफ और पाक, पूरी जिल्द से ख़ारिश का खात्मा कर देगा ये नुस्खा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।